मैं इस मंच से वादा करता हूं आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी को कि जिस प्रकार से आपने हमारे समाज को सम्मान दिया है, जिस प्रकार से हमें उचित भागीदारी दी है, यदि भविष्य में भी आप इसी प्रकार से सम्मान और उचित भागीदारी देंगे तो ये आशुतोष आपके साथ खड़ा है। और जब आशुतोष खड़ा है तो जितने भी साथी आए सबके साथ। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि आज परशुराम जयंती है और परशुराम जयंती के अवसर पर राजधानी पटना के बापू सभागार में भूमिहार समाज के द्वारा आज परशुराम जयंती का एक आयोजन भी किया गया था, जिसमें बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुँचे थे मुख्य अतिथि के तौर पर। आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में BM समीकरण की बात कर रही है RJD, तो उसी को लेकर आज जो राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आशुतोष कुमार, उन्होंने तेजस्वी यादव से कहा कि जिस प्रकार से MLC चुनाव में भूमिहारों को टिकट दिया गया और उसका फल जो है हम लोगों ने उपचुनाव के दौरान दिखा दिया कि जब भूमिहारों को भागीदारी उन्होंने दी है तो भूमिहार भी पीछे नहीं हटेगा, उनका समर्थन करेगा। वो एक डेग साथ चलेंगे तो हम उनके साथ 100 डेग चलेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं आशुतोष कुमार, सुनवाते हैं उनके बयान को। लेकिन क्योंकि हम बिहार से हैं और बिहार राजनीति के केंद्र बिंदु है, बिहार जहां राजनीति के ऊपर सोच होता है, इसलिए यहां बिना राजनीति की कोई बात ही नहीं हो सकती। थोड़ी बहुत तो राजनीति उस पर चर्चा जरूर होगी, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि वक्ताओं की सूची लंबी है और हमारे मुख्य अतिथि अति विशिष्ट अतिथि सबों को दूसरे कार्यक्रम में भी ईद मिलन समारोह में भी जाना है, तो मैं आज ज्यादा समय न लेते हुए कुछ विषयों पर चर्चा करूंगा जो वर्तमान में आपने महसूस किया देखा, चाहे वो MLC चुनाव हो या बोचहा उपचुनाव हो। तो बोचहा तो एक ट्रेलर था, अभी पूरी मूवी बाकी। मैं इस मंच से वादा करता हूं आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी को कि जिस प्रकार से आपने हमारे समाज को सम्मान दिया है, जिस प्रकार से हमें उचित भागीदारी दी है, यदि भविष्य में भी आप इसी प्रकार से सम्मान और उचित भागीदारी देंगे तो ये आशुतोष आपके साथ खड़ा है। और जब आशुतोष खड़ा है तो जितने भी साथी आए सबके साथ। हम भोजन के भूखे नहीं, हमारे बाप दादा ने इतनी जमीनें सहेज कर रखी हैं कि हम उसमें धान गेहूं और दाल उपजाते हैं और अपना पेट भर लेते हैं। भोजन का भूख नहीं है, सम्मान का भूख है। और आपने हमें सम्मान दिया, आपने हमें सम्मान दिया है तो हमने बोचहा में सूद समेत आपको आपका सम्मान लौटाया है।